आज माँ का पर्व है, छठ पर्व है। आज पहला माँ का असली पर्व है, जो खरना होते हैं ना, आज वो खरना है। कल संझ की अर्घ है और सोमवार को सुबह को बिनुक की अर्घ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकुश तीजा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में, जहां पर आप भीड़ देख सकते हैं। छठ पर्व है, काफी धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। काफी लोग यहां पर खरीदारी करते हुए दिख सकते हैं, काफी भीड़ जरूर मार्केट में देखने को मिल रही है। त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। 3 दिन का ये त्योहार होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, और उसके बाद अगले दिन छठ मैया की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि पहले दिन खाए पिए होता है, और उसके बाद अगले दिन जब खरना होता है तो शाम को प्रसाद बनता है। मिट्टी के चूल्हे में, नए बर्तन में शाम को प्रसाद बनता है, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद महिलाएं व्रत रखना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद नदी में जाकर जो है छठ मैया की पूजा करनी की जाती है। शाम 4 बजे नदी में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद काफ़ी देर तक उनकी पूजा की जाती है। और अगले दिन आपको बता दें कि तीसरे दिन सूरज उगने से पहले, यानी कि सुबह सुबह छठ मैया की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि महिलाएं जो है काफ़ी यहां पर जो है शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी लोग जो है खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखते हैं काफ़ी भीड़ दूर तक ज़रूर नज़र आ रही है। 3 दिन का ये त्यौहार होता है, और ऐसे में काफ़ी महिलाएँ खुश ज़रूर नज़र आती है, और काफ़ी उत्साह के साथ ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है। और ऐसे में बाजारों की अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा भीड़ ज़रूर नज़र आ रही है, खरीदारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और देखते हैं कि 3 दिन का त्यौहार जो कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, महिलाएं शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी महिलाएं, उनसे एक बारी बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे त्यौहार के बारे में? 3 दिन तक मनाया जाता है। हाँ जी, 3 दिन। तो बताएं कुछ त्यौहार के बारे में। जो मांगता है वो पूरा हो जाता है। कैसे मनाते हैं त्यौहार? धूमधाम से मनाते हैं। पहले दिन खाया पिया होता है? आज खाया पिया होता है, कल बिल्कुल। फिर खरना होता है? आज खरना है जी। फिर उसके बाद काल आ रहा है, कल आज अभी खा लेंगे, कल से पूछ, कल पूजा होगी। हाँ, परसों दो दिन, कल शाम को और परसों सुबह। हाँ जी, तो बिल्कुल देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, काफी भीड़ जरूर बाजार में देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं कि काफी धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं किस तरीके से त्यौहार को मनाया जाता है? बहुत धूमधाम से मनाया जाते हैं। आज खरना है, और कल को संझ का अर्घ है, परसों सुबह सूर्यास्त होगा, उसके बाद कुछ मनाया जाएगा। यानी कि 4 दिन तक मनाया जाएगा? हाँ, आज से शुरू है 3 दिन। कल भी खाया पिया? कल नहीं कुछ खाएंगे, आज जो खाया रात में खाएगा, कल भी नहीं खाएंगे, परसों भी नहीं खाएंगे। तो कल शाम को और कल सुबह ही खाएंगे, परसों सुबह खाएंगे, कल शाम को पूजा की जाएगी, परसों सुबह, परसों। हाँ, तो खरीदारी कर चल रही है। हाँ, फल फ्रूट जो भी है सब त्योहार चल रहा है। तो बिल्कुल खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं कि सभी के हाथों में फल फ्रूट है, और जो भी पूजा के लिए सामान चाहिए होता है उसकी खरीदारी महिलाएं करती हुई जरूर नजर आ रही हैं। छोटे बच्चे भी हैं, और देखते हैं कि सभी लोग, काफी भीड़ यहां पर जरूर देखने को मिल रही है। त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। देख सकते हैं प्रसाद के लिए सामग्री यहां पर जो चाहिए होती है, खाने पीने का जो प्रसाद है उसके लिए सामग्री चाहिए होती है, वो यहाँ पर जो है काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अंदर बाजार की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, काफी भीड़ बाजार में जरूर नजर आ रही है, काफी धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। 3 दिन तक आपको बता दें कि पहले दिन खाया पिया, दूसरे दिन खरना होता है, और उसके बाद खरने वाले दिन शाम को नदी में जाकर पूजा की जाती है, और अगले दिन आपको बता दें कि तीसरे दिन एक बार फिर से जो है सुबह सूर्य उगने से पहले ही सुबह पानी में जाकर, नदी में जाकर पूजा की जाती है। काफी धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है, इसके लिए अलग से स्टॉल भी लगाई गई है, बाजार को जो है पूरा सजा दिया गया। देख सकते कि अलग अलग सामग्री यहाँ पर जो है वो रखी गई है जो पूजा में इस्तेमाल होती है, और काफी भीड़ अंदर जरूर नजर आ रही है, काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। गन्ना भी यहाँ पर रखा गया, बताया जा रहा है कि पूजा में इस्तेमाल भी किया जाता है नारियल, और उसके अलावा अन्य सामग्री जो है वो यहाँ पर रखी गई। देखते हैं महिलाएं शॉपिंग करती हुई जरूर नजर आ रही है, काफी सामग्री यहाँ पर लेती हुई जरूर नजर आ रही है। बाजार को पूरे तरीके से सजा दिया गया है। 3 दिन का यह त्यौहार होता है, और करनाल में
सूर्य मंदिर के नज़दीक एक घाट भी बनाया गया है, छठ घाट बनाया गया है, और महिलाएं देखते हैं काफ़ी यहां पर शॉपिंग भी करती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। काफ़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो बाजारों में भीड़ लगना शुरू हो चुकी है क्योंकि 3 दिन तक छठ पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में भीड़ देख सकते हैं, बाजार पूरे सजे हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, महिलाएँ खरीदारी करती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। हर दुकान पर जाकर आप देखते हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूर नज़र आ रही है। लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे भी ज़रूर नज़र आ रहे हैं, प्रसाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पूजा के लिए सामग्री लेते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ भीड़ ही भीड़ आपको नज़र ज़रूर आ जाएगी। काफ़ी लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि खरीदारी यहाँ से शुरू कर दी गई है। क्या कुछ कहना चाहें, काफ़ी भीड़ है बाज़ार में? बिल्कुल है जी सर, ये छठ पूजा का पर्व है और इस मौके पर बहुत ही सारे शॉपिंग करते हैं, अपना सामान लेते हैं पूजा के लिए, जो कि सूर्य देव की पूजा की जाती है नहर पर, उसके लिए सामान यहाँ पे लगाया हुआ है मंडी में, और उस मौके पर ये ज़्यादा भीड़ इकट्ठे हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सामान लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मैम पूछिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज खरीदारी कर रहे हैं? आज माँ का पर्व है, छठ पर्व है, आज पहला माँ का असली पर्व है, जो खरना होते हैं ना, आज वो खरना है, कल संझ की अर्घ है, और सोमवार को सुबह को बिनुक की अर्घ है, और निष्ठा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं महिलाएं काफी ज्यादा खुश है, काफी धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। अभी बताएं कुछ त्यौहार के बारे में। बस जी खरीदारी चल रही है, आज ही चल रही है। बिल्कुल देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, काफ़ी उत्साह जरूर नज़र आ रहा है, और धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं आज खरीदारी करती हुई नज़र जरूर आ रही हैं। मुकुश तीजा, करनाल बेकी न्यूज़, करनाल।